हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स। सेल्स मीन्स जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का मतलब है केमिकल चेंज बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू अकर्स ए केमिकल चेंज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके हम केमिकल रिएक्शन को इस नॉन स्पंटेनियस से स्पंटेनियस बना सकते हैं, या स्पंटेनियस रिएक्शन से ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले है व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वे सेल होते हैं जिसमें स्पंटेनियस रिएक्शन होती है। केमिकल जो एनर्जी होती है ऑफ ए स्पंटेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के जो डिवाइस होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कभी हम उसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल के नाम से भी जाना जाता है। द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पंटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हमें ये जो केमिकल एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ऑफ ए स्पंटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के जो डिवाइस होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, एंड दे आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, गैलियम सेल जिसमें जिंक एज ए एनोड एंड कॉपर यूज्ड एज ए कैथोड। तो जिंक और कॉपर का यूज करके हम यहाँ पर गैलियम सेल बनाते हैं। ड्राई सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी जैसे जनरली हैवी जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो कार हो, मोटर हो, बस हो, ट्रक हो, उनमें यूज किया जाता है। मरकरी सेल एक बटन सेल होता है जो कि वॉचेस में यूज करते हैं, छोटा वाला वो गोल वाला। तो ये इस तरह से मरकरी। ड्राई सेल जनरली टॉर्चेस में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इन सभी में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये गैल्वेनिक सेल, क्योंकि जी गैल्वेनिक के द्वारा इसका प्रिंसिपल दिया गया था इसलिए गैल्वेनिक सेल है, और एलेसांड्रो वोल्टा ने भी दिया था तो ये वोल्टाइक सेल भी कहलाते हैं। और डेनियल ने एक सेल बनाया था इसलिए ये सेल जो है जिंक और कॉपर द्वारा इट इज आल्सो नोन एज डेनियल सेल। ये डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है, विच कंसिस्ट कॉपर एंड जिंक। सेकेंड टाइप का है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इट इज जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि यहाँ उसके अपोजिट है। यदि हमने दो रिएक्टेंट लिया या दो इलेक्ट्रोड लिया और एक सॉल्यूशन, उसके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, उस नॉन स्पंटेनियस रिएक्शन को हम स्पंटेनियस बना सकते हैं बाई गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये द फिनोमेना ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम दिया जाता है, जिसमें हम केमिकल चेंजेस करते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो करेंगे तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, जो कि इम्पॉसिबल थी पहले। तो इस तरह के डिवाइस, द डिवाइस यूज टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में वी गेट हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड, एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जस्ट डबल होगा। इस तरह से देखें, ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है नंबर ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ईटीसी। ये नंबर ऑफ मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम इनको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
गैल्वेनिक सेल इसमें हमने कंसीडर किया हुआ है डेनियल सेल, ये डेनियल सेल ले रहे हैं। तो ये डेनियल सेल को यदि हम यूज करते हैं और ये डेनियल सेल से आप वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये फाइंड कर पाएंगे। और इसको आपने पहले भी 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है इन चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में वंस अगेन इसको देख सकते हैं। दो हाफ सेल लेना है, इन हाफ सेल में एक ये हाफ सेल है और एक ये हाफ सेल है। हाफ सेल में दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक जैसे कि ये है जिंक रॉड, जिंक रॉड को हमने एज एनोड यूज किया, और ये है कॉपर रॉड, कॉपर रॉड को एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं। जिंक रॉड और कॉपर, और इसके इसमें सॉल्यूशन लेंगे 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर, और इसमें लेंगे कॉपर वाले में 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इन दोनों को अलग अलग कंटेनर में रख देंगे, अलग अलग बीकर में जैसे यूज कर रहे हैं, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर के द्वारा यूज कर दिया। इसमें एक एमिटर लगा दिया टू नो द अमाउंट ऑफ करंट, करंट कितना यहाँ से फ्लो हो रहा है, या टू मेजर द करंट यूज एमिटर, और यहाँ पर एक की लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यदि हमने ये साल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया, ये साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, साल्ट ब्रिज यदि हम साल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट मोमेंटली फ्लो होगा, मीन्स एक क्षण के लिए फ्लो होगा और इसके बाद यह रुक जाएगा। तो उसको कंटिन्यूस करने के लिए हमें यहाँ पर साल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है, और साल्ट ब्रिज कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मीन्स दे नॉट टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, दे शुड नॉट अंडर गो ए केमिकल चेंज, वो उनमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे KCl है, KNO3 है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एंड दे आर जनरली प्रेजेंट विद एगर एगर जेली या जिलेटिन, इनके साथ ही उसमें पाए जाते हैं। एंड बोथ एंड्स आर हैविंग कॉटन प्लग, इन दोनों एंड पर कॉटन प्लग होता है ताकि सॉल्यूशन इसके बाहर ना आए। तो इस तरह से ये एलिमेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जिस जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड वाले को जनरली हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन दिस सेल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जिसमें एनोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और राइट वाले को रिडक्शन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल के नाम से जाना जाएगा। तो दोनों अलग अलग है, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट वाला रिडक्शन हाफ सेल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल वो होगा जिसमें एनोड है, और रिडक्शन हाफ सेल होगा जिसमें कैथोड है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। अब इसमें जैसे ही हम इस की को प्लग को ऑन करेंगे, ये यहाँ पर जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और वो चेंजेस इस तरह से होंगे, ये रॉड है, ये धीरे 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 इसका वेट लूज होता जाएगा, तो यहाँ से वेट इसका लॉस होता जाएगा, जबकि इसके चारों ओर एक अलग से लेयर जो है डिपॉजिट होती जाएगी, इस कॉपर के ऊपर वेट बढ़ता जाएगा, तो जिंक रॉड अपना वेट धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, जबकि कॉपर रॉड पर जो है वेट डिपॉजिट होता जाएगा। और भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो चेंजेस क्या क्या होंगे, किस तरह से होंगे उनके बारे में, तो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय इंसर्टिंग द की इन द सर्किट द फॉलोइंग चेंजेस ऑब्जर्व। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन होता है, ये जिंक रॉड ऑक्सीडाइज होगा धीरे धीरे, ये अपना इसी में डिसॉल्व होता जाएगा, तो ये जिंक रॉड ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, और कैथोड में जो कॉपर सल्फेट के कॉपर आयंस हैं
कॉपर आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इंटू कॉपर सॉलिड मेटल एटम, और ये कॉपर सॉलिड यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाएगा ऑन द कॉपर रॉड या ऑन द कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो रिडक्शन में होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीडेशन होगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड, जबकि करंट क्या होगा, करंट फ्लो फ्रॉम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट मीन्स आई। तो यहां पर हमको, और ये जिंक रॉड धीरे धीरे इसमें डिजॉल्व हो रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीजेस, जिंक आयन का कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट में इंक्रीज होगा, जबकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं तो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन्स की कमी आती जाएगी, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो यहाँ देखिए कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। जिंक रॉड लूजेस इट्स वेट, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इंक्रीजेस इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कॉपर रॉड, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर रॉड के ऊपर या कैथोड के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीजेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रिक करंट का जो मूवमेंट होगा वह कैथोड से एनोड की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल में हम यदि वर्किंग देखते हैं, अब क्यों मतलब जो है किस तरह से जिंक रॉड अपना वेट लूज करेगा, वहाँ क्या चेंजेस होंगे और वहाँ कॉपर के साथ क्या चेंजेस होंगे। तो इस तरह से भी हम देखें, ये चेंजेस हमें जनरल चेंजेस थे जो बाहर से दिखाई दे सकते हैं या जिनको हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, एमिटर पर उसको देख सकते हैं कितना करंट वहाँ पर फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कैसे होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे है, रिडक्शन कैसे, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा, वर्किंग मैकेनिज्म जैसे एट एनोड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सेल चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, बट एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। और साइन का याद रखना है, एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव साइन, कैथोड पर पॉजिटिव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चेंज हो जाता है, वहाँ एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। लेकिन ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और कैथोड वहाँ पर गेन कर रहा है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिंक रॉड लूजेस टू इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर सॉलिड था और ये यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स होता जाएगा, किस तरह से जिंक आयन मिक्स होते जाएंगे जिंक सल्फेट में, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इसी तरह से एट कैथोड, कैथोड पर होगा हमेशा रिडक्शन, और ये रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर तो गेन नहीं करेगा लेकिन जो कॉपर आयन्स है ऑफ कॉपर सल्फेट दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉपर आयन्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन गेन्स टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड मेटल एटम, मीन्स यदि हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर आयन टू फॉर्म जिंक आयन प्लस कॉपर, ये सॉलिड है ये सॉलिड और ये दोनों एक्वस फॉर्म में है जो आयन्स हैं, और टू टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन इधर से टू इलेक्ट्रॉन इधर से, तो बोथ आर कैंसिल्ड इन ओवरऑल इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन में दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही इक्वल है। तो ये इस तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी में हमने सॉल्ट ब्रिज देखा हुआ है कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट कंप्लीट करता है और दूसरा भी उसका फंक्शन है। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं। सॉल्ट ब्रिज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, इट इज एन इन्वर्टेड
YouTube filled with concentrated inert electrolyte. ये इसमें concentrated inert electrolyte होते हैं such as KCl, potassium nitrate, ammonium nitrate, etc. और इसमें भी है कि what are the essentials of the salt bridge? Salt bridge या electrolyte किस तरह का वहाँ पर होना चाहिए? तो electrolytes उनको ही choose किया जाता है जिनमें anionic and cationic mobility लगभग same होती है. Means the ionic mobility of cation and anion should be almost same. लगभग सेम होना चाहिए, दोनों मतलब बराबर स्पीड से मूव करते हो तो आयनिक मोबिलिटी सेम हो. और द आयंस ऑफ द जो इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसमें ये आयन इनमें से कोई भी किसी भी तरीके से उस रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व ना हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चूज किए जाते हैं. इसके अलावा ना तो मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं और ना ही वहाँ पर किसी केमिकल के साथ या जो सेल के अंदर जो भी हमने केमिकल लिया हुआ उसके साथ रिएक्ट होते हैं, मीन्स पूरी तरह से इनर्ट हैं. और इनको ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यदि एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे. तो इसको सेमी सॉलिड स्टेट में लाया जाता है और सेमी सॉलिड स्टेट में लाने के लिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आर प्रिपेयर्ड इन एगर एगर जेली और जिलेटिन. तो ये जिलेटिन या एगर एगर जो सॉलिड जेली होती है जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी से बनता है एगर एगर सॉल्यूशन, उसी में इसको मिक्स कर दिया जाता है एंड जेली कीप द इलेक्ट्रोलाइट इन सेमी सॉलिड स्टेट एंड दस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल. उनके हाफ सेल में मिक्स होने से बचाता है क्योंकि ये सेमी सॉलिड में है तो जनरली ये मूव नहीं कर पाते हैं. तो ये साल्ट ब्रिज में सेमी सॉलिड स्टेट में हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं. अब इनके क्या फंक्शन है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को या वो साल्ट ब्रिज क्या काम करता है? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज में एक तो ये है कि इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा. तो इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट. और इसका दूसरा काम है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशन. ये दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन मीन्स जो जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है, इनके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. किस तरह से मेंटेन करता है? जब जिंक रॉड ऑक्सीडाइज होता है तो इसके आसपास, इस रॉड के आसपास ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे एक्सेस क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे. अब इनका एक्यूमुलेशन बढ़ेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड हैज स्टॉप्ड. ये यहाँ पर जो है स्टॉप हो जाएगा, जिंक रॉड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अराउंड द एनोड. एनोड के चारों ओर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने से ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा. ऑक्सीडेशन बंद मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो गया. तो ये इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज अराउंड द एनोड. इसके अराउंड में उनको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा. इसी तरह से इसके चारों ओर कॉपर आयन को उन्होंने, कॉपर आयन तो डिपॉजिट हो गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, बचा यहाँ पर सल्फेट आयन. सल्फेट आयन हैज नेगेटिव चार्ज तो इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ने से फर्दर कॉपर जो है और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, मीन्स रिडक्शन की प्रोसेस जो है बंद हो जाएगी और इस तरह से सेल वर्क करना बंद कर देगा. एक्सेस जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड अराउंड द कैथोड दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ साल्ट ब्रिज. साल्ट ब्रिज के जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव चार्ज है उनको यहाँ पर जाकर के रिडक्शन हाफ सेल में उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं. तो इस तरह से देखें तो दे मेंटेन, साल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल सॉल्यूशन, उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है. तो ये तो हो गया फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज. अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इस तरह से यदि लिखेंगे, हर बार यदि बनाएंगे
तो इसे क्या होगा, लिखना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम सिंपल वे में किस तरह से किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यदि हम इस सेल को रिप्रेजेंट करना चाहें डेनियल सेल को ही, तो डेनियल सेल को जैसे इसमें कॉपर और जिंक यूज किया गया है, तो जिंक को यूज किया गया है एनोड। तो जब हम किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। एनोड में जैसे सॉलिड एटम सॉलिड मेटल से एक्वस आयन में कन्वर्ट होता है, कैथोड में जबकि एक्वस आयन सॉलिड एटम में कन्वर्ट होता है, और दोनों के बीच में है साल्ट ब्रिज। तो सबसे पहले लिखेंगे एनोड का रिएक्शन, देन साल्ट ब्रिज, और इसके बाद लिखेंगे कैथोड का रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पर जिंक सॉलिड था कन्वर्टेड इंटू जिंक आयन, यदि हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन मालूम है तो कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक्वस सॉल्यूशन यदि है तो एक्वस भी लिख सकते हैं, दोनों यहाँ पर लिखा जा सकता है। यदि हमको मालूम है कि इसका वन मोलर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन लिखा जा सकता है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज के लिए हम डबल जो है ये लाइन लेंगे, पैरेलल लाइन का यूज करेंगे, और इसके बाद फिर लिखेंगे कैथोड। तो कैथोड का रिएक्शन था कॉपर, यहाँ कंसंट्रेशन या एक्वस लिखें, टू फॉर्म कॉपर सॉलिड मेटल एटम। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और यदि कभी कैटलिस्ट का किसी में यूज किया गया है, एनोड साइड यूज किया गया है, तो जैसे प्लेटिनम ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ रिएक्शन लिखेंगे, और यदि मान लीजिए कैथोड साइड यूज किया गया है तो यहाँ पर कैथोड का रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर जो भी है, चाहे वो जिंक हो आयरन हो कुछ भी है, तो इसके बाद इस तरह से लिखेंगे। यदि कोई कंडीशन है, गैस है जैसे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि दिया गया है तो उतना एटीएम प्रेशर भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिंक और HCl सेल है या रिएक्शन है, तो यहाँ पर जिंक कन्वर्ट होता है जिंक आयन में सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन साइड में जिसमें HCl भरा हुआ है उसमें यूज किया जाता है प्लेटिनम का, तो हम यहाँ पर प्लेटिनम इस तरह से लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि हाइड्रोजन साइड में प्लेटिनम एक कैटलिस्ट के रूप में भी यहाँ पर यूज किया गया है, दूसरा मतलब जो है एलिमेंट का यूज किया गया है, इस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ये यहाँ पर टू लिखने का जरूरत नहीं भी है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एच आयन, वो हम बैलेंस करते समय नंबर ऑफ आयन्स को एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे किसी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सिंपल वे है, पहले एनोड लिखेंगे, एनोड के बाद सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के बाद कैथोड का रिएक्शन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बाद इसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है किसी इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले थोड़ा मेमोरी एड के बारे में देखें, किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद रखना है। तो ये तीन चीजें हैं, एनोड है साल्ट ब्रिज कैथोड, एनोड और कैथोड, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले एनोड आता है ए और इसके बाद सी, तो इसको पहले लिखना है उसको बाद में। अब ये लेफ्ट और राइट इसका भी होता है यहाँ पर, तो लेफ्ट और राइट में एल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है देन फिर आर, तो इस तरफ उसको लिखिए कैथोड को और लेफ्ट साइड में एनोड को। हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह की रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन ओ और आर, ओ और आर में अल्फाबेटिकल में ओ पहले आता है तो ये एनोड साइड होगा, और चार्ज जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एन और पी, इन दोनों में भी एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा पी बाद में आएगा। तो इस तरह से हम मेमोरी एड के लिए में इस तरह से लिख करके उसको याद कर सकते हैं, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो एनोड साइड और जो बाद में आते हैं वो कैथोड साइड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब कोई किसी सेल में या किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसका मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेट द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, वहां पर दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको समझने के लिए हमें, जैसे हमने भी कॉपर का यूज किया,
कॉपर एंड कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कॉपर आयंस कोलाइड विद द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड देयर इज नो चेंजेस इन द कॉपर आयन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। कोलाइड तो हो रहा है कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, लेकिन वहां पर कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले, मीन्स डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। सेकेंड ये भी हो सकता है, तो कोलाइड हुए लेकिन कॉपर आयन्स और जो कॉपर है इसमें किसी भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिला। दूसरा ये भी हो सकता है, कॉपर आयन कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड मेटल, मीन्स रिडक्शन भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, कॉपर आयन कोलाइड हो रहे हैं और कोलाइड होने के बाद या कोलाइड होने से पहले ही कॉपर रॉड ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और आयंस यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या फिर उसमें कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज होगा। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मीन्स वहाँ रिएक्शन चल ही नहीं रही है। तो इस तरह से भी हम देखें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। जैसे ये हमने इलेक्ट्रोड ले लिया यहाँ पर और इस इलेक्ट्रोड में ये सॉल्यूशन है, तो इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेटल और सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन ए हाफ शेल टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये मेजर करता है कि किस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है और किस में कितनी टेंडेंसी गेन करने की है। तो इस तरह से देखा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स ऑक्सीडाइज, मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज, दिस टेंडेंसी इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन जैसे इस तरह से देख सकते हैं, एम मेटल है कोई भी, लूजेस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एम एन पॉजिटिव आयन। से जिंक है, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन बना सकता है। हाइड्रोजन गैस है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन लूज करके टू हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सब्सटेंस। सेकेंड इसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये देखिए, ये रिएक्शन अभी इस तरफ से इस तरफ को थी, अभी उसको जस्ट रिवर्स कर दिया, एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एम सॉलिड। जैसे कॉपर आयन है, गेन टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड मेटल एटम। क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया टू क्लोराइड आयन में बन गया। तो हाइड्रोजन आयन थे, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम उसको रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन। तो अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन है उसमें हमें हाफ सेल रिएक्शंस को हमेशा दे ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का यूज नहीं करना है। जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें या जो भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, then all reactions written in the form of reduction reaction. अब reduction reaction में और कैसे लिख सकते हैं, तो इनको हम change कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि oxidation form में है, इसको reverse कर दिया, इस direction से यहाँ पर लिख दिया, तो ये reduction हो जाएगा। और जो potential होगा, potential भी यदि मान लीजिए oxidation potential positive है, तो इसको यदि आप convert कर देते हैं negative में, तो यही oxidation potential reduction में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जिंक का यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, अभी ये पॉजिटिव है, हमें इसी को रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है जिंक का, तो यही वैल्यू हो जाएगी -0.76 वोल्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। मतलब जस्ट साइन चेंज करना है पॉजिटिव से नेगेटिव, और यदि नेगेटिव में दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वही हो जाएगा पॉजिटिव में रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से बाय चेंजिंग देयर साइन वी कैन चेंज द
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड मीन्स ऑक्सीडेशन से रिडक्शन या रिडक्शन से ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट साइन कन्वेंशन है उसमें हमें रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं जनरली दे आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल एटम, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन एंड टेम्परेचर ऑफ द सेल। उस सेल के इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इस पर भी डिपेंड करता है। अब हम इसी से, ये तो सिंगल इलेक्ट्रोड का है, दो इलेक्ट्रोड मिलकर के सेल बन जाता है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो ईएमएफ और सेल पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स का या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है उसे हम सेल पोटेंशियल बोल सकते हैं या ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। लेकिन दोनों मतलब एक ही सेल का कंस्टिट्यूशन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के सेल है उनका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जो सेल में दोनों इलेक्ट्रोड है उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जब एक्सटर्नल वायर में से कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो उस समय पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ और ई सेल मींस सेल पोटेंशियल को ई सेल के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस तरह से लिख सकते हैं, या ई कैथोड माइनस ई एनोड सिंपल वे में, या फिर इसी को ई राइट माइनस ई लेफ्ट, आर फॉर राइट एंड एल फॉर लेफ्ट, तो ई आर माइनस ई एल। और यदि मान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है सेल पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हो टेम्परेचर हो तो ई नॉट सेल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी में रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करना है। तो ये ईएमएफ को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसमें से कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो फिर कुछ रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल वायर में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो वो फिर उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ओनली बोलते हैं। यदि करंट फ्लो हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यदि बाहर से करंट एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसे बोलते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल इज द मैक्सिमम वर्कआउट ऑफ द सेल, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इतना करंट फ्लो कर सकते हैं, यदि रेजिस्टेंस जीरो है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तब, तो इट इज अ मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेंड फ्रॉम ए सेल। इससे मतलब ये मैक्सिमम वर्क होता है, ई सेल इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेंड फ्रॉम ए सेल, मैक्सिमम वर्क हम कितना ऑब्टेंड कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम वर्क होगा मतलब यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ गिब्स एनर्जी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, एंड दैट यूजफुल इज ए मैक्सिमम वर्क एंड आल्सो नोन एज ई सेल मींस ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। और तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वोल्टेज भी है या मैक्सिमम वर्क भी आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर स्टेडी करेंट फ्लो होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करेंट इन द सेल। ये स्टेडी करेंट फ्लो होगा तभी हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं या सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।